ओम शांति। सोलह कलाओं से संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनाने वाले प्यारे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, ग्रह धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। प्रश्न है, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो एक की मत पर सदा चलते रहे तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती, सदा कल्याण होता रहे। देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। सेकंड की बाजी है, बाबा का बने तो हकदार बने, सुख घनेरे का वर्षा भी मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहे। कंडीशन कौन सी है? श्रीमत पर सदा चलते रहे। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया गया है। ओम माना अहम आत्मा मम शरीर, बाबा कहेंगे ओम सो परमात्मा, माना अहम आत्मा सो परमात्मा, ये परमात्मा के लिए कह सकते हैं। शिव बाबा उनकी जो आत्मा है वही कौन है? परमात्मा है, बाकी हमारे लिए वो टाइटल नहीं, उनका शरीर नहीं है क्योंकि वह तो सबका बाप है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा सो परमात्मा, हम नहीं कह सकते। ये तो ठीक है, अहम आत्मा परमात्मा की संतान है। कौन सा शब्द है? अहम आत्मा परमात्मा की संतान है, लेकिन आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है। बाकी अहम आत्मा सो परमात्मा कहना एकदम रॉन्ग हो जाता तो बच्चे बाबा को जानते हो, यह तो समझते हो, ये पुरानी दुनिया है, ये तो पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। परंतु सतयुग कब होता है यह भी बेचारे नहीं जानते, समझते हैं कलयुग तो अभी बाकी 40,000 वर्ष है। तो बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, श्रीमत पर कर रहे हैं, अपने मन मत पर या शास्त्रों के मत पर नहीं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं करवाता हूँ, नहीं तो हमारे ऊपर बोझ आ जाएगा विनाश का। स्थापना कराते हैं बाबा, वही तुम शिव शक्तियाँ प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली अहिंसक शक्ति से ना हो। हम कोई हिंसा नहीं करते हैं और करने की भी हमें डायरेक्शन नहीं है। तुम ही हो जो बाप से वर्षा पाने के अधिकारी हो, तुम ब्राह्मणों को ही श्रीमत मिलती है, श्रीमत भी परमात्मा की हम ब्राह्मणों को ही मिलती है। तुम काम विकार को जीतते हो तभी यहाँ जो आते हैं उनसे पूछा जाता है, अगर काम विकार पर जीत पाई हो तो बाप से मिलना। मधुबन में आने के लिए कंडीशन कौन सी है? भगवान को मिलने के लिए विकारों पर जीत पाना। मातेले और सौतेले होते हैं, मातेले कभी भी विकार में जा नहीं सकते। अभी हमको बाबा मिला है जो ज्ञान का सागर है, कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा एकदम अलग है। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी। शिव बाबा को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर। ये शरीर पहले जड़ होता, फिर उसमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब चैतन्य बनता है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है ये सिर्फ बाप बीज रूप ही जानते हैं, वे तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं तुमको थोड़ा भी ज्ञान देता हूँ तो तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाते हो। इस ज्ञान की ये महिमा है। उनको ही शिवालय कहा जाता, शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग जिसमें चैतन्य देवताएं निवास करते हैं। भक्ति मार्ग में उन्होंने मंदिर में बिठा दिया, तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है, वह जिस्मानी ब्राह्मण भल कहते हैं हम मुख वंशावली हैं, परंतु फिर कह देते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः, क्योंकि समझते हैं हम पुजारी ब्राह्मण हैं अपूज्य हो।
और आप पूज्य हो। विकारी ब्राह्मण नमः करते हैं पवित्र को। विकारी ब्राह्मण किसको नमन करते हैं? पवित्र को। तुम अभी ब्राह्मण हो, वह समय आएगा फिर तुम कहेंगे ब्राह्मण देवताय नमः, क्योंकि अभी तुम पूज्य सो पुजारी बनते हो। ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं। जो श्रीमद पर चलने वाले हैं वे इस रीति धारण करा सकते हैं औरों को भी धारणा। जैसे बैरिस्टर सर्जन कितना पढ़ते हैं उतनी दवाइयाँ वो पॉइंट्स बुद्धि में रहती है। नाम तो वकील होगा परंतु कोई ककपति होता है वकील, और कोई कोई लखपति होता है, और कोई कुछ भी आमदनी नहीं करता है। यहाँ भी नंबरवार दान करते हैं तो उनको एवजा मिलता है। तब कहा जाता है धन दिए धन ना खोटे। ज्ञान मार्ग में भी कोई अच्छी सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं कि एवजा भी अच्छा मिलेगा। वहाँ दान करते हैं तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिलता है ना। साहूकार के घर में जाते हैं, यहाँ तो 21 जन्म के लिए राजाई के अधिकारी बन जाते हैं। तुमको सब पॉइंट्स भी नोट करनी है। तुमको कागज पर देख भाषण नहीं करना है, परंतु बुद्धि में रख भाषण करना है। हाँ, कोई कोई होते हैं कागज पर लिख करके आते हैं, बाबा कहते नहीं, ओरली आपको समझाना है। जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, ऐसे तो बच्चों को भी बनना है। एक बच्चे ने लिखा था, हमारा बाप टीचर था, आप भी हमारे बाप टीचर हो। हमारे भी लौकिक भी बाप शिक्षक ही है, टीचर है, वही हमें पढ़ाते थे बचपन में। वे है हद का, यह है बेहद का। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाता, हद का बाप हद की बातें सुनाता। वह है हद का सुख देने वाला, हद की सेवा करने वाले सर्वोदया नाम रखते हैं। ये भी झूठ है। सर्व माना सारी दुनिया पर दया तो नहीं करते, बाबा ही है जो सर्व पर दया कर पावन बनाते हैं। दया करना माना पावन बनाना, तत्वों को भी पावन बनाते हैं। एक ही दुनिया होती है, वही फिर नई सो पुरानी बनती है। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नरक है। ऐसे नहीं बौद्धिक खंड क्रिश्चियन खंड कोई स्वर्ग था। एक बाबा ही सबको दुख से छुड़ाने वाला हेवनली गॉड फादर है, लिबरेटर है, गाइड है। उनको सब याद करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, अभी देह से ही सबसे बुद्धियोग हटाओ। अब हम अपने बाप के पास जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट भी तुम्हारा है। यथा माँ बाप तथा बच्चे सब पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ कराने वाला एक ही परम पिता परमात्मा अति प्यारा है। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। भक्ति मार्ग में उनको याद करते परंतु जानते नहीं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं रचता और रचना के रचना बेअंत है। तो आजकल के गुरु कैसे कहते हैं कि हम ही परमात्मा है। दिलवाड़ा मंदिर में आदिदेव का चित्र है, नीचे काला दिखाते हैं, फिर अचलगढ़ में सोने का रखा है। हाँ, सोने का, सोने की मूर्ति है महावीर की। तो बाबा कहते हैं कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग है। ये है हमारा यादगार। पतितों को पावन बनाते तो संगम हुआ ना, भक्ति मार्ग वाले भी होंगे। बाबा इस शरीर द्वारा अपना जड़ मंदिर यादगार देखते हैं, समझाते हैं, मैं देखता हूँ ये हमारे यादगार बने हुए हैं। दिलवाला टेम्पल, अचलगढ़, तुम भी अपना यादगार देखो। पहले तुम जानते नहीं थे ये हमारा यादगार है, अभी जानते हो। तुम जो पूज्य देवी देवता थे अभी पुजारी बने हैं। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, आगे बोलो, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण। हम सो का अर्थ तुम ही जानते हो। नई दुनिया सो पुरानी कैसे बनती है? नई बने तो पुरानी का विनाश हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर यहाँ होती है, प्रजा यहाँ रचते है। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा अकेला बैठा है, रचना रचकर पूरी की तो फरिश्ता बन गए। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, सर्वोदया लीडर वास्तव में तुम ही हो। श्रीमत से तुम अपने पर दया करते हो तो सर्व की सर्व पर दया करते हो।
श्री श्री शिव बाबा बैठुप को श्री बनाते हैं। श्री श्री वास्तव में एक कोई कहा जाता है, तो कल भी बाबा श्री श्री का टाइटल परसों भी बाबा ने याद दिलाया, डबल श्री शिव बाबा को ही कह सकते हैं हम। पतित पावन सर्व का सदगति दाता कौन है? एक ही शिव बाबा है, बाकी यह है असत्य झूठी दुनिया। इसमें जो कुछ बताते हैं वह झूठ ही झूठ है, रचता और रचना के बारे में ही झूठ बताते, बाबा सच बताते हैं ना। इसको सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। तुम ज्ञान से देखो क्या से क्या बन रहे हो। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया जाता है, इसलिए श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। बाकी शास्त्र है उनकी रचना, गीता माय बाप है। गीता खंडन करने से वर्षा किसी को भी नहीं मिलता, ये बातें तुम बच्चे ही जानते। ऐसे नहीं कि जो पुराने हैं वही होशियार होंगे, कई नए भी पुरानों से तीखे चले जाते हैं। देरी से आने वाले भी ऊंच पद पा लेंगे। सेकंड की बाजी है, देखो बाबा का बना और हकदार बना। अभी अभी आया है फिर भी बहुत जोर से सेवा कर रहा है, श्री मत को एक्यूरेट पालन कर रहा है, तो वो फास्ट जा सकता है। और पुराने डनलप के गद्दे पर सो हुए रहते हैं, कभी मुरली के लिए आए कभी नहीं आए, कभी सेवा की कभी नहीं की, कभी अमृत वेला किया कभी नहीं किया, ढीले ढाले। पुराने में भी ऐसे है, बहुत एक्यूरेट है बहुत कम है। तो बाबा कहते नए को आगे जाने के लिए मार्जिन है, देरी से आने वाले भी ऊंच पद पा सकते हैं। अगर कोई ठहर नहीं सकते तो बाबा भी क्या करेगा। निश्चय बुद्धि हो श्रीमत पर चले तो बस, जैसे उस कमाई में दशा बैठती है वैसे यहाँ भी दशा बैठती है। ग्रहचारी बैठ जाती है क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हैं, मन मत पर चलते रहते हैं। बाकी है बिल्कुल सहज बात, बाबा मम्मा का बच्चा बना तो सुख घनेरे का वर्षा मिलता है। एक की मत पर चलने से कल्याण है। जिसको तुमने आधा कल्प याद किया वही अब तुमको मिला है, तो उनको पकड़ लेना चाहिए। समझो बाबा दौड़ी लगा रहे हैं, सब बच्चे हैं आमने सामने, और बाबा बोल रहे पकड़ो 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 मुझे पकड़ो। तो जैसे कि हम जा करके बाबा को पकड़ रहे हैं, अनुभव करो ब्रह्मा बाबा को हमने ऐसे बाप दादा को पकड़ लिया फास्ट चलते चलते, है ना। तो पकड़ लेना चाहिए। इसमें मूंछते क्यों हो भाई? बाबा कहते हैं फिर से ड्रामा अनुसार राज्य भाग्य देने के लिए आया हूँ, मेरी मत पर चलना होगा। बुद्धि से मुझे याद करो और कोई तुमको मैं तकलीफ नहीं देता हूँ। स्वर्ग का वर्षा भी तुम पाते हो। कल स्वर्ग था आज नर्क है, अभी फिर स्वर्ग बनना है। कल यहाँ मालिक थे आज बेघर बने हो, देखो क्या हाल हो गया है। वृक्ष और बेघर बनने का एक खेल है, कितनी सहज बात है। देही अभिमानी नहीं बनते हैं, बनना तो है देही अभिमानी लेकिन बच्चे नहीं बनते हैं। सन्यासी लोग कहते हैं तुम्हें क्रोध आता है तो तुम मुख में मोहल्लरा डाल दो। ये दृष्टांत सब इस समय के हैं, भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ के लिए ही है। विष्टा के कीड़े को आप समान बनाती है, कमाल है। बरोबर इस समय सब विष्टा के कीड़े हैं, उनको तुम ब्राह्मणिया भू भू करती हो। कोई तो ब्राह्मणी या ब्राह्मण उड़ने लायक बन जाते हैं, कोई क्षुद्र का क्षुद्र ही रह जाते हैं। सर्प का मिसाल भी यहाँ का ही है। तुम अपने को आत्मा समझो, ये पुरानी खाल उतार, सतयुग में नई खाल लेनी है। बाबा है ज्ञान का सागर। गीता कितनी छोटी बनाई है, श्लोकों को कंठ कर लेते हैं, सब उन पर लोग उन पर फिदा हो जाते हैं। गीता पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत आ गया है, सदगति किसको भी नहीं मिलती। तुमको थोड़ा ही मैं ज्ञान देता हूँ तो भी तुम स्वर्ग में चले जाते हो। कितना मीठा बनना है, धारणा करनी है, विचार सागर मंथन करना है। दिन में भले धंधा करो, बाबा ने धंधा करने के लिए मनाई नहीं किए, भले धंधा करो बहुत कमाई होगी। सवेरे सवेरे आत्मा रिफ्रेश होती है,
अमृत वेला करने से भी रिफ्रेश होती है और मुरली पढ़ने से भी रिफ्रेश होती है। बार बार अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी, एक दो दिन से नहीं होगा, बार बार करेंगे स्टडी कोई भी चीज़ का तो आदत पड़ जाएगी। अभी जो करेगा वह उच्च पद पाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। बेहद का बाप मिला है, इसमें संशय क्यों लाऊं? शुभ व विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको क्यों भूलना चाहिए? इस ज्ञान रत्नों से बड़ा प्यार होना चाहिए। महादानी बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते, यह ज्ञान का एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। मातेश्वरी जी की अनमोल महावाक्य सुनते हैं, डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता मिलती है। हमें यह जो अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, यह डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं। ज्ञान का फायदा क्या है? जन्म जन्मांतर के दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते, इसलिए इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। कर्म बंधन में नहीं आते हैं, ये जो ज्ञान सुनने वाले हैं, कर्म के बंधन से छूट जाते हैं, इसलिए इसको अविनाशी ज्ञान कहते हैं। अब यह ज्ञान सिर्फ एक अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आने वाली है, इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। देखो, आत्माओं का ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा नहीं देता, क्योंकि आत्माएं तो जन्म मरण के चक्कर में आती है। इस कारण उन्होंने ज्ञान को मिथ्या ज्ञान या विनाशी ज्ञान कहेंगे, लेकिन यह देवताएं सदा अमर है, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा यह अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे सिद्ध है परमात्मा भी एक है, तो उसका ज्ञान भी एक है। और दूसरी बात, अच्छा, इस ज्ञान से ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलियुगी संग दोष से दूर रहना है। विकारी कलियुगी संग दोष जो है, इससे हमें दूर रहना है। और दूसरी बात है, मलेच्छ खान पान आदि की परहेज करनी है। जो गंदा खान पान है वो नहीं खाना है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है, इसलिए ध्यान बिल्कुल रखना है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है, श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आपे ही दया करनी है। सर्वोदयापन पतित दुनिया को पावन बनाना है। दूसरा पॉइंट, अमृत वेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है। विचार सागर मंथन करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। वरदान, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं, तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचयिता के सामने आती है, ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। तो जो हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर, वह हर आज्ञा में जी हाजिर करते हैं। जो बाबा की श्रीमत है, उसके श्रीमत पर चलने वाले जी हाजिर, जी हुजूर करने वाले जो बच्चे हैं, उनके सामने ये शक्तियाँ भी जी हाजिर करेंगी। तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर, जी हाजिर, जी मास्टर हजूर करती रहती है। ऐसे ऑर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वाले को ही मास्टर रचयिता कहेंगे। आज का स्लोगन है, सिंपल बन अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है।
सिंपल बन अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। तो ऐसे सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।